तो एपिसोड के स्टार्टिंग में वॉर्म को दिखाया जाता है जो कि गिम टैन और बहन से मिलने के लिए आई हुई थी, जहाँ पर उन्हें बंद करके रखा हुआ था। बोलती है कि अभी सब बाहर गए हैं तो हम यहाँ से भाग सकते हैं, बाहर की दुनिया बहुत बड़ी है तो इसलिए तुम्हें वहाँ पर बांध कर ऐसे कोई भी नहीं रखने वाला। वो बांध के जंजीर खोल ही रही होती है लेकिन तभी बांध के अंदर का लस्ट डीमन हावी हो जाता है उस पर और वो सोरो से वॉर्म के हाथ पर काट लेता है। लेकिन वॉन उसे डरने की वजह उसे प्यार से समझाती हुई कहती है कि मैं तुम्हें समझ सकती हूँ और मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी, और दोनों को वहाँ से भगाकर ले जाती हैं। वही टेंपल में वॉन को उन तीनों के भागने की खबर मिलती है तो वो बिन जॉन से कहते हैं कि मैं जानता था कि वॉन एक बहुत ही होशियार लड़की है लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो ऐसी भी कोई हरकत कर सकती है। उन दोनों लड़कों के अंदर लस्ट डीमन है और अगर लस्ट डीमन उन पर हावी पड़ गया और उन्होंने उसे काबू करना नहीं सीखा तो फिर तबाही मच जाएगी। जहाँ पर तभी अचानक से बान और किम टैम वॉर्म को अपने शोल्डर पर रख कर लेकर आते हैं क्योंकि वॉर्म बान के काटने की वजह से बेहोश हो गई थी, जिसके बाद उन दोनों को बंद करके फिर से बहुत बुरी तरह से कोड़ों से मारा जाता है। वॉर्म वहाँ पर वापस से आती है और उन दोनों को देखकर बहुत ज्यादा दुखी होती है और कहती है कि ये सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ है, लेकिन तुम लोग फिक्र मत करो, मैं जल्द ही अपनी ट्रेनिंग पूरी कर वापस आऊंगी और तुम दोनों को यहाँ से छुड़वा लूंगी। वो उन दोनों की हालत देखकर काफी रो रही होती है और जाने से पहले ये भी प्रॉमिस ले लिया कि जब तक मैं नहीं आती तुम लोग को सरवाइव करना ही पड़ेगा। सीन शिफ्ट होता है और प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है युआन मिस्टर चैंग से 10 साल बाद मिलने के लिए आया हुआ था, जिसकी कोरियन लैंग्वेज सुनकर मिस्टर चैंग बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं, जिनके पूछने पर युआन कहता है कि उसे के पॉप और के ड्रामा बहुत ही ज्यादा पसंद है तो वह हर टाइम वही देखा करता है जब भी वो फ्री होता है। तो मिस्टर चैंग भी युआन की अचीवमेंट से इतना ज्यादा इम्प्रेस थे क्योंकि उसने इतनी छोटी उम्र में ही सुपर नेचुरल पावर्स पर अच्छी पकड़ बना रखी थी और मिस्टर चैंग ने सेवियर को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी पूरी लाइफ लगा दी थी और इसलिए युवान भी इस बात के लिए मिस्टर चैंग को काफी ज्यादा अप्रिशिएट करता है। साथ ही बोला कि आपने उस भविष्यवाणी के बारे में तो सुना ही होगा जिसमें ये कहा गया है कि बुराई एक बार फिर से अच्छाई पर भारी पड़ने वाली है और डीमंस वापस से धरती पर आने वाले हैं। मिस्टर चैंग के ये पूछने पर कि युआन का क्या प्लान है, युआन कहता है कि ये बात तो मैं बहुत ही अच्छे से जानता हूँ कि मियो ही सेवियर है, मुझे उसे प्रोटेक्ट करने के साथ साथ उसे अवेकन भी करना है क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं है। मिस्टर चैंग कहते हैं कि वैसे तो ये काम काफी ज्यादा डिफिकल्ट है लेकिन मुझे यकीन है कि तुम इसे अच्छे से कर लोगे। साथ ही ये भी बोल दिया कि मैं तुम्हें मियो से अपना रिलेटिव बोलकर मिलवा दूंगा। वही लास्ट सीन दिखाया जाता है जब मिस्टर चैंग ने मियो को कॉल किया था और मियो का नेटवर्क वहाँ पर नहीं आ रहा था, जिससे कि उन्हें मियो की लोकेशन नहीं मिल पाई थी और तभी सिक्योरिटी ने उस पर हमला भी कर दिया था जो कि अब पूरी तरह से डीमन बन चुका है। लेकिन वहाँ पर एकदम हाई स्पीड में पहुंचकर बान ने उसकी जान बचा ली थी, सेक्रेटरी यानी डीमन का हाथ काट दिया था, लेकिन डीमन फिर भी नहीं मानता और वो लगातार मियो पे हमला कर रहा होता है जिससे कि बीच में बान आ जाता है। बान ने अपने चारों तरफ सुपर नेचुरल पावर की शील्ड बना दी थी और वहाँ वो उस लस्ट डीमन से बहुत ही अच्छी तरह से फाइट कर रहा होता है जिससे वो हरा भी देता है, जो कि लास्ट में एक स्टोन में कन्वर्ट हो जाता है और उसे उठाकर वो रख लेता है। लेकिन तभी वहाँ पर मिस्टर चैंग पुलिस के साथ पहुँच जाते हैं जिससे कि बान अचानक से वहाँ से गायब हो गया था। फिर इंस्पेक्टर के पूछने पर मियो वहाँ पर हुई सारी घटना बता रही होती है लेकिन इंस्पेक्टर को तो उस पर यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि कोई सुपर नेचुरल पावर है और कोई डीमन है यहाँ पर, क्योंकि दोस्तों ये बात तो हम सब जानते हैं कि आज के जमाने में सब लोग साइंस को मानते हैं और डीमन और सुपर नेचुरल पावर जैसी बातों पर तो ज्यादातर लोगों को यकीन होता ही नहीं है जब तक वो उसे अपनी आंखों से खुद नहीं देख लेते। तो आप सबके लिए आज का सवाल ये होगा कि आप में से वो कौन लोग हैं जिन्होंने किसी डीमन या सुपर नेचुरल पावर को देखा है, ये बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं और साथ ही अपना एक्सपीरियंस भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं जिससे कि मैं अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट दे सकती हूँ। वेल तो इंस्पेक्टर को मियो की बातों पर यकीन नहीं होता है और उन्हें तो यही लग रहा था कि शायद वो सदमे में है और इसलिए इतनी उटपटांग बातें कर रही है। बहुत ज्यादा घबराई हुई मियो मिस्टर चैंग से बोलती है कि प्लीज आप डैड को कॉल करके बोल दीजिए कि मैं सियोल वापस आ रही हूँ, लेकिन मिस्टर चैंग ने भी डैड को कॉल करके बोल दिया कि मियो की भी थोड़ी तबीयत खराब है, वो जल्दी ठीक हो जाएगी और यहीं रहेगी, तो इसलिए वो कैब लेकर सीधा ही एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। लेकिन वो लस्ट डीमन वहाँ भी उसका पीछा नहीं छोड़ता है और वो सिक्योरिटी गार्ड के अंदर ब्लैक स्मोक बन के घुस जाता है। वही जब मियो अपना टिकट ले रही होती है तो वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड आता है जो कि उसे सेफली एक रूम में बैठा देता है क्योंकि उसे मियो के प्रोटेक्शन के लिए ही वहाँ पर बुलाया गया था।
जहाँ तभी डेमन बना हुआ सिक्योरिटी गार्ड आता है। मियो उसे देखती है बहुत बुरी तरह डरकर वहाँ से भागते हुए बाहर आ जाती है और एक कार में जाकर छुप जाती है, लेकिन डेमन उसका पीछा नहीं छोड़ता और वो भागते हुए कार तक पहुँच जाता है। जैसे तैसे करके मियो कार चलाकर वहाँ से निकल तो जाती है, लेकिन डेमन फिर उसकी कार पर बैठ जाता है। ब्रेक लगाकर मियो डेमन को आगे गिरा देती है और उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाकर उससे कुचलते हुए आगे निकल जाती है, लेकिन डेमन मारा नहीं था, वो वापस से उसकी गाड़ी पर चढ़ जाता है और गाड़ी का मिरर तोड़कर वो उस पर अटैक करने वाला था। लेकिन तभी मियो को सामने एक डॉल ह्यूबैंग का स्टैचू नजर आता है, जो कि वैसे तो एक सिंपल पोल ही था, लेकिन उसे टकराने के बाद मियो की गाड़ी उल्टी हो जाती है और फिर मियो जैसे तैसे करके उसमें से उतरकर भाग रही होती है और जाकर एक जगह पर छुप जाती है, लेकिन गलती से उससे आवाज हो जाती है, जिसे डेमन को पता चल जाता है कि मियो कहाँ छुपी है। वो वापस से उसके पीछे भागता है जहाँ वो उसे मारने वाला था, लेकिन तभी एकदम फुर्ती के साथ में बान फिर से वहाँ पहुँच जाता है और इसे रोक लेता है। साइड में बैठा हुआ वो मियो को देख रहा होता है, जहाँ मियो उसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मुझे बचा लो, जिसके बाद वो डेमन के साथ में वैसे ही फाइट करता है और उसे बहुत ही अच्छी तरह से धो डालता है और उसके स्टोन में कन्वर्ट होने के बाद उसे उठाकर अपने पास में रख लेता है और मियो को देखकर बोलता है कि क्या अभी भी तुम्हें कुछ भी नहीं याद है। जहाँ मियो कहती है कि क्या मुझे कुछ याद होना चाहिए, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि ये मॉन्स्टर मेरे पीछे क्यों पड़े हैं और मेरा सेक्रेटरी भी मॉन्स्टर क्यों बन गया था। मियो के पूछने पर बान बताता है कि ये लस्ट डेमन है, जो कि बहुत ज्यादा बुरी शक्तियाँ होती हैं और वो इंसान को मारकर उनका शरीर लेकर लोगों के बीच में ही रहते हैं। मियो के पूछने पर कि वो सब उसके पीछे ही क्यों पड़े हैं, तो बान कहता है कि ये तो तुम्हारी डेस्टिनी है जिसमें ये सब कुछ लिखा हुआ है और इस डेस्टिनी की वजह से ही डेमन तुम्हारे पीछे रहेंगे और अपना मकसद पूरा करके रहेंगे। तो अब तुम्हारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो तुम अपनी किस्मत को कोसो या फिर इन सारे डेमन से लड़के इन्हें हरा दो। एंड गाइस, सॉरी टू इंटरप्ट यू इन द मिडल ऑफ दिस वीडियो, मैं तो बस आपको यही बताना चाहती हूँ कि मेरे चैनल का नाम भी लव एंड डेस्टिनी है, जो कि आपकी किस्मत से ही आपको मिला है, तो इसलिए फटाक से सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया है तो, ताकि ऐसे ही लव एंड डेस्टिनी से भरी हुई स्टोरीज आपको मिलती रहे और आपसे मिस ना हो। वेल, तो नेक्स्ट सीन में युवान सारे डीमंस के पार्ट्स को कलेक्ट कर रहा होता है और वो इमेजिन कर रहा होता है कि उन सारे डीमंस को कैसे मारा गया था। वो फटाक से मिस्टर चैंग को कॉल करता है और बान के बारे में पूछने लग जाता है कि आखिरकार वो काले कोट वाला इंसान दिखता कैसा है और कौन सा वेपन वो यूज करता है इन डीमंस को मारने के लिए। मिस्टर चैंग कहते हैं, बेटा अभी तो तुम्हें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, लेकिन जब तुम उस डीमन हंटर से मिलोगे ना, तो तुम्हारी सारी एक्साइटमेंट डर में बदल जाएगी। वहीं दूसरी तरफ मियो अपनी बॉडी पे लगे एक अजीब से मार्क को टच करके बान के बारे में सोच रही थी, जहाँ पर तभी मिस्टर चैंग आ जाते हैं और वो उनसे पूछती है कि आपने मुझे वापस जाने क्यों नहीं दिया। मिस्टर चांग कहते हैं कि तुम्हारी आंट बहुत ही ज्यादा शातिर है और अभी तुम्हें उनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हें तुम्हारी ही कंपनी से निकलवा सकती हैं। जब तक हमारे पास कोई सॉलिड प्लान नहीं होता, तो तुम यहाँ से नहीं जा सकती। जिसके बाद वो स्लीपिंग पिल्स खाकर सोने की कोशिश करती है, लेकिन उसे तो नींद ही नहीं आ रही थी। गॉड को सॉरी बोल रही होती है और कहती है कि अब से मैं हर वीक चर्च और टेम्पल जाऊंगी, लेकिन प्लीज आप मुझे बचा लीजिए। जहाँ पर तभी अचानक से एक आवाज होती है और वो डर कर पहले तो रजाई के अंदर घुस जाती है, लेकिन फाइनली फिर वो धीरे धीरे उठती है और जाकर बाहर देखती है, जहाँ एकदम फास्ट स्पीड में बान उसके रूम में पहुँच जाता है। और मियो के ये पूछने पर कि क्या वहाँ पे कोई लस डीमन था, तो बान कहता है कि था तो लेकिन अब नहीं है, और कहता है कि ये तो इतने सारे हैं कि तुम इन्हें गिन भी नहीं सकती हो। बेचारे मियो बहुत ज्यादा घबराते हुए बोलती है कि तो इसका मतलब है कि मुझे हमेशा छुप कर ही रहना पड़ेगा, तो इससे अच्छा तो यही है कि मुझे मर जाना चाहिए। वैसे भी मेरी मॉम मर चुकी है और आंट तो मुझे मार नहीं चाहती है और डैड को भी मेरी कोई चिंता नहीं है। और अचानक से सेंटी मूड से सीधा वो फनी मूड में पहुंच जाती है और बान से कहती है कि तुम मेरे बॉडीगार्ड क्यों नहीं बन जाते, और साथ ही कॉन्टेक्ट पेपर लाकर बान से उसकी आईडी भी मांगने लग गई, लेकिन बान के पास तो कोई आईडी था ही नहीं और ना ही उसका कोई सरनेम था, जिस बात पर मियो बहुत ज्यादा हंसती है। और जब बान वहां से उठकर जाने लग जाता है, तो बोलती है कि प्लीज आज मेरे साथ ही रुक जाओ, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, और प्लीज मेरे बॉडीगार्ड बनकर इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन कर दो, जितना अमाउंट चाहे उतना अमाउंट भर सकते हो। बेड पर जाकर बैठती है कि तभी अचानक से बात करते करते सो जाती है। बान ने भी वो स्लीपिंग पिल्स नोटिस कर ली थी और मियो के पास बैठकर उसके मार्क को देखने लग जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मियो सोकर उठती है, तो देखती है कि बान ने वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन कर दिए हैं और उसमें उसने कोई भी अमाउंट नहीं भरा था। वहीं दूसरी तरफ हम बान को देखते हैं, जो कि वोम के बारे में सोच रहा होता है, जिसने अपना प्रॉमिस पूरा किया था और वो उसे बचाने के लिए वापस भी आई थी। लेकिन एक बार फिर से बान के अंदर का लस्ट डेमन उस पर हावी हो गया था और उसने वॉर्म के सीने में खंजर घुसाकर उसे मार ही डाला था। सो गाइस, यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है, लेकिन आगे की स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और जैसे ही इसके बाकी के एपिसोड रिलीज होंगे, मैं उन्हें जल्द से जल्द एक्सप्लेन कर दूंगी।
लेकिन जो क्वेश्चन मैंने आपसे वीडियो में बीच में पूछा है उसका जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा और मैं आपके जवाब का कमेंट बॉक्स में वेट करूंगी, जिन्हें मैं इस सीरीज की नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट भी दूंगी। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक कमेंट करके जरूर जाइएगा।